नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की वजह से आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं और जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं उसमें टेंशन है, स्ट्रेस है, एंगर बहुत कॉमन हो गया है। ज्योत्सना, हम में से लगभग हर कोई स्ट्रेस और एंगर से हर दिन गुजरता है। हालांकि आपको गुस्सा कम आता है, ये सबको पता है, लेकिन कुछ लोग इससे आसानी से निपट लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इसका सामना ही करना नहीं आता। इसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ने लगता है। ज्यादा तनाव और गुस्सा ऐसे लोगों को हार्ट पेशेंट भी बना देता है। बिल्कुल सही बात कही आपने सुशांत। टेंशन और स्ट्रेस भरे माहौल की वजह से हम गुस्से से बचना तो चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। लेकिन एंगर मैनेजमेंट के जरिए इसके असर को जरूर कम कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना, गुस्सा दबाना और ये जो तमाम कारण है इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। और आज स्वामी रामदेव जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन्हीं सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है इनका सलूशन बताएंगे। नहीं, उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। एंगर जो है वो क्या होता है उनको पता नहीं। और कोरोना से बचना तो उन्होंने सिखाया है इस संकट काल में। तभी तो कोरोना के इस संकट काल में हमें सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बचना है बल्कि अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। इम्यूनिटी के साथ एंगर मैनेजमेंट भी सीखना होगा और हम अपने हार्ट, लिवर, किडनी को बचा सकें इसके लिए योग और विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर कौन हो सकता है। तो स्वामी जी का स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे लग रहा है आज आप सारे गुस्से की आहुति दे रहे हैं इस हवन में। अपने गुस्से के नहीं, पूरे देश के गुस्से की, पूरे देश के अज्ञान की, अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की, प्रमाद की, अशुभ की आहुति दे रहा हूं। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। तो योग और यज्ञ और हमारी परंपरा में जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें हमारी समस्याओं का समाधान है। ये बताएंगे आज के शो में हम, और किस तरह से एंगर से लेकर के एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के अपने हृदय रोग और मस्तिष्क रोगों को हम योग, यज्ञ और योग निद्रा आदि से दूर कर सकते हैं, वो आज हम देशवासियों को बताएंगे। देखिए, हवन कुंड में अग्नि जलती रहनी चाहिए लेकिन शरीर के अंदर जो गुस्से की अग्नि है उसको शांत करना आज हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। सेहत के लिए स्ट्रेस और एंगर बहुत खतरनाक है। ये हम आपको बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि इसका बहुत बुरा असर होता है और हमें पता नहीं चलता। अक्सर देखा गया है लंबे वक्त तक बहुत तनाव लेने या गुस्सा करने से हार्ट डिजीज हो जाती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। गुस्सा तो सबको आता है, कई लोग इसे मैनेज कर लेते हैं लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। ऐसे में उनके लिए योग एकमात्र उपाय है क्या स्वामी जी? और ज्यादा गुस्सा अगर आए तो क्या करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए कि गुस्सा जो है वो फिर इस बात पर गुस्सा करे कि ये मेरे, मैं इसके शरीर में घुस क्यों नहीं पा रहा? देखो, इसके लिए एक तो ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूं लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो ऐसे लंबे लंबे श्वास लेकर के, एक तो ये अभ्यास, एक ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। कम से कम ये 2-3 अभ्यास सूक्ष्म एम के कर लेते हैं तो इससे हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ये अभ्यास और बैठ करके बटरफ्लाई का अभ्यास, ये बहुत ईजी है जो सब आसानी से कर सकते हैं, तो सबके लिए ये जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कुछ आसन और फिर सब आसनों के अंत में शवासन, योग निद्रा और प्राणायाम के बाद आज मैं ध्यान के ऊपर विशेष बल देना चाहूँगा। और प्राणायाम में भी जो शीतली शीतकारी है ना, वो गुस्से के लिए, एंगर के लिए जबरदस्त है। माने आपने शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लिया, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम कर लिया तो गुस्सा एकदम शांत तो हो जाता है। ये 3 प्राणायाम तो रामबाण है, शीतली मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, ये तो शीतली है। दांतों के पीछे जीभ लगा के और मुंह से लेके नाक से छोड़ना, फिर ये भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी और सांसों पर ध्यान मात्र करने से गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। ओम का ऐसे उच्चारण कर लिया,
या गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना ये करते हैं, प्रभु हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले। गुस्सा है, हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, जितने भी जीवन में बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं, उनसे हम मुक्त हों। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये तो कुछ हमने सामान्य उपाय बताए, यह हम आगे बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ योगासन बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले योगासनों की शुरुआत हम वज्रासन में बैठकर के मंडूकासन के साथ करते हैं। तो कम से कम 12 से 15 आसन हम बताएंगे, इसमें से 5-7 जितने जो कर पाए करने की कोशिश करना, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, गुस्सा के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। आजकल मेंटल ट्रॉमा बहुत हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, युवा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, सांस बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, स्क्रीन के सामने बैठ कर के 8-10-12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की आंखों में आंसू, दिमाग पर बोझ, दिल में भारीपन और मन के अंदर गुस्सा। और अब तो उनका सुशांत जी पबजी भी बंद हो गया है, टिकटॉक भी बंद हो गया है, तो बहुत से लोग अपना गुस्सा सही बात है, वो वीडियोस बना के गुस्सा निकाल रहे थे, बहुत से लोग अपना गुस्सा इन्हीं चीजों में निकालते थे। पबजी अभी शायद नहीं बंद हुआ है, लेकिन टिकटॉक बंद हो गया है। तो और देखिए, एक ऐप था ब्यूटी प्लस, उसमें क्या था, कितना भी गुस्सा चेहरे पर, तनाव हो और फिर वो तनाव की वजह से चेहरे पर स्ट्रेस की वजह से झुर्रियां पड़ जाएं, वो सब गायब कर देता था। अब वो भी बैन हो गया है, तो इसलिए चेहरा सुंदर दिखेगा योग करने से, अब ऐप से सुंदर नहीं बना पाएंगे आप। योग से आपको आरोग्य भी मिलेगा। ये मंडूक आसन दो तरह से करते हैं, एक एक आसन हम ये क्रम से बताते जा रहे हैं, फिर शशकासन। योग से सुशांत जी स्वास्थ्य मिलता है, और मैंने बार बार कहा है और उसको करके दिखाया है, करीब 10 से 20 करोड़ लोगों के बीच में तो आकर के मेरे शिविरों में लोगों ने योग सीखा है, और इंडिया टीवी पर देख करके, आस्था चैनल पर देख करके, फिर सोशल मीडिया में देख करके 200 करोड़ से ज्यादा, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोगों ने योग को अपनाया। ये बड़ी बात है। मंडूक आसन के बाद ये शशकासन, फिर अब वक्रासन करेंगे, फिर गोमुखासन करेंगे, और कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, सब कर सकते हैं। माने अक्सर जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा आसन नहीं कर सकते, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सब कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सुशांत जी, ये जो चारों तरफ लूट मची है, दवा माफिया, ड्रग माफिया, बीड़ी सिगरेट शराब बेचने वाले, अलग अलग विलासिता के सामान बेचने वाले, चारों तरफ लोग बाजार में लूटने के लिए बैठे हुए हैं, और आदमी ठगा जाता उन सब में, कब, जब वो योग नहीं अपनाता। तो किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को गैस, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंगर, और उसमें आदमी गुस्से में, मैंने बार बार कहा है एक बात को, कि आदमी दूसरी की झोपड़ी में आग लगाने से पहले अपनी खोपड़ी में आग लगाता है। आदमी इतना गुस्से में तिलमिला उठता है कि उससे फिर उसके भीतर का बॉडी और माइंड का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। गोमुखासन देखो, जो है योग से आरोग्य तो मिलेगा ही, एंगर से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, नर्वस सिस्टम, ये गोमुखासन, ये सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 12 आसन शुरू में हम बता रहे हैं, और आधा आधा मिनट भी किया तो 6 मिनट लगेंगे, कुल 6 मिनट में पूरे शरीर का आरोग्य आप हासिल कर लेते हैं। आप स्वस्थ बनते हैं योग से, आप सुंदर बनते हैं योग से, आपके भीतर सृजनात्मकता बढ़ती है, रचना धर्मिता बढ़ती है, आपके अंदर गुणात्मकता बढ़ती है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, आप योग करने से खुश रहते हैं, आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस अपने भीतर से मिलता है, बाहर के साधनों की जरूरत नहीं रह जाती। ये गोमुखासन दूसरी तरफ से भी, तो ये आप ये कह रहे हैं स्वामी जी, अगर योग करें और गुस्सा इस तरीके से मैनेज हो जाएगा कि कल को अगर इंक्रीमेंट लेटर देखकर ये लगे कि ये तो चिल्लर मिला है, तो बॉस के सामने जाकर वो चिट्ठी फेंकने की बजाय आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने, प्यार प्यार से बात होगी।
तो देखो मैं कुछ उपाय तो आप बताते ही रहते हैं। भुजंगासन ये बहुत जरूरी है जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो अब सुबह सुबह उठ के आपने माथे पर चंदन लगा लिया तो इससे माथा ठंडा रहता है। देखो ये मैंने लगाया हुआ है। भुजंगासन दो तरह से कर रहे हैं, जो ये भुजंगासन भी ना कर पाए वे ऐसे कर ले मकर आसन, ऐसे लेट ही गए ऐसे पीछे से पैर मोड़े सीधे की, इसी से आप रिलैक्स हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, लंबे श्वास लेने से गुस्सा कम हो जाता है, ठंडे पानी से मुंह धोने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, माथे पर चंदन लगाने से और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने से ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छे, गुस्से के लिए। कुछ लोग सोचते होंगे तो भगवान शिव तो रुद्र रूप थे, नहीं तुमने एक ही रूप देखा है ना जीवन में, तो अलग 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 रूप और स्वरूप हमें अपनाने पड़ते हैं। कभी हमें क्रांति धर्मा पड़ता है बनना पड़ता है, कभी शांति धर्मा बनना पड़ता है, कभी हमें समाधि में रहना पड़ता है, कभी संघर्षों में रहना पड़ता है। तो संघर्ष और समाधि, शांति और क्रांति दोनों साथ साथ चलते रहते हैं जीवन में, योग और युद्ध, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो एक साथ जीवन को हमें जीना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग जो आसन में बता स्वामी जी, या इजीली कर सकते हैं सभी लोग, और फिर सीधे लेट करके। जी एक दर्शक का सवाल भी है, रौनक कसाड़, इनका सवाल यह है कि 15 दिनों से ये योग कर रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनका गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा सा किसी ने पिन मारा और ये फट जाती हैं गुब्बारे की तरह, तो 28 साल उम्र है, क्या करें फिर? देखो इसके गुस्से को दूर करने का, एक तो योगाभ्यास करता है ना व्यक्ति मरकटासन का, दूसरा अभ्यास तो वो ये देखता है कि मेरी जैसी आत्मा सबके भीतर है, एकत्व अनुपश्यते, योग का मूल दर्शन एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व, एक ब्रह्म एक परमात्मा सबके भीतर है। तो देखो यदि किसी ने कुछ गलत भी कर दिया, कोई जानबूझ करके तो करता नहीं, आदमी जितनी जिसकी समझ होती है वो वैसे ही करने की कोशिश करता है। हम अपने आप को कितनी बार माफ करते हैं, कितनी बार गलतियां करते हैं वैयक्तिक जीवन में, खान पान में, संबंधों में, कितनी गलतियां हम खुद करते हैं, कितनी भूले अपने आप को तो माफ कर देते हैं, दूसरे को माफ नहीं कर पाते। तो जो अपना ही स्वरूप सब में देखता है ना, एक ही ब्रह्म रूप सब में देखता है, फिर उसको गुस्सा नहीं होता। तो जिनको भी गुस्सा आए तो बोले भाई जिसने भी किया अपनी समझदारी से, अपनी जितनी उसकी सामर्थ्य थी ताकत थी बेचारे ने करने का कोशिश की, तो कोई बात नहीं। चल एक और सवाल है स्वामी जी, नौकासन, तो राजू राम शर्मा का करने से, वो पूछ रहे हैं गुस्सा आने से शरीर में कपकपी सी होने लगती है, इसके लिए क्या करें? ये तो होगी होगी, गुस्सा आने से पूरा केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स उससे बनने वाले टिश्यू उससे बनने वाले ऑर्गन पूरा सिस्टम हमारा गुस्से से, जिनको गुस्सा बहुत आता है क्रोध बहुत अधिक आता है उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके पेट में भी जहर घुल जाता है। इसलिए कहते हैं खाते समय गुस्सा नहीं करो, क्योंकि खाने गुस्सा करने से जहर घुल जाएगा, वो आपके खाने में भी जहर घुल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डाइजेस्टिव स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस ऑटोनोमस सिस्टम ऑटोनोमिक सिस्टम वॉलंटरी सिस्टम पूरा सिस्टम, ये नौकासन, ये जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करें। फिर ये अर्धहलासन पादवृत्तासन, ये कुल ये डेली का योगाभ्यास बता दिया जो सब कर सकते हैं, इससे वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाता है, 25-50-100 बार तक हम ये करा देते हैं, दोनों पैरों से नहीं कर पाते वो एक एक से कर लें, और इतना ईजी है मैं कहता हूँ ये ऐसे 10 मिनट तो आसनों का अभ्यास सभी लोग कर लें, 5 से 10 मिनट में आसनों का अभ्यास हो जाएगा, पहले 10 मिनट लगेंगे बाद में अभ्यस्त हो जाएंगे, तो 5 ही मिनट में अभ्यास पूरा हो जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हमारे तो साथ आज ज्योत्सना है स्वामी जी, पूरे शरीर में कपकपी होने लगती है तो निश्चित रूप से, और ज्योत्सना के बारे में मैं बताऊं इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, हमेशा मुस्कुराती रहती है खिलखिलाती रहती है, अब पता चल रहा है कि योग का असर है जी। ये जरूरी है। देखो सुशांत जी आपने भी जिंदगी में देखा है, मैंने भी देखा है, ज्योत्सना जी ने भी देखा है, सारे हमारे रजत शर्मा जी से लेकर के
जो भी लोग, चाहे वो विधायिका में हो, कार्यकारी पालिका में हो, न्यायपालिका में हो, खबर पालिका में हो, जिंदगी के किसी भी दायित्व में हो, अब मेरा जैसा आदमी जिसको कोई जो है स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, उसके ऊपर भी लोग सुबह से शाम तक कितनी छींटाकशी करते हैं। मुझे एक आतंकवादी की तरह मेरे साथ बिहेवियर होता है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से दूरी पर, फिर भी मैं मानता हूँ मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जो मुझसे बन पाता है, कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी है। और फिर भी लोग करते हैं तो उनको करने दो, मैं अपनी शांति क्यों भंग करूं। तो थोड़ा दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, जरा मैं एक ही मिनट के अंदर कैसे अपने आप को रिलैक्स करता हूं। लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव को भी खूब गालियां मिलती हैं, चारों तरफ से इतने संघर्ष, योग करते हुए रोज युद्ध की भूमिका में रहते हैं, आज तो विशेष रूप से रहने वाला हूं। तो देखिए ऐसे शांत होकर के मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, विटनेस होकर के तन को देखा, माथे से लेकर के चेहरे से लेकर के कंधों से लेकर के पूरे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दिया, हाथ पेट पीठ पैर सब शिथिल है, और इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे मैं आत्मा हूं, और मेरा आधार परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है। भगवान को कुछ लोग तो मानते नहीं, सुबह से शाम तक कितनी गालियां देते रहते, फिर भी भगवान सबका हित करते, कल्याण करते, उद्धार करते हैं, कितने कृपालु दयालु हैं। तो ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में ठहर जाएं, ऐसे एक क्षण में मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव चेतना भी जब हम लौट आते हैं अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे बाहर के किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, बाहर के तिरस्कार की, सत्कार की, इसकी मुझके ऊपर कोई असर, इसकी गैर असर कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जो अपने स्वरूप में, अपनी दिव्यता पूर्णता में रहते, उनको कोई असर नहीं होगा बाहर की चीजों से। तो ये ऐसे 5 से 10 मिनट तक एक एक अंग को ढीला छोड़ करके, फिर श्वासों के साथ अपने स्वरूप में जा करके, और ऐसे ये फिर जो है योग। और देखिए स्वामी जी, ये शवासन जो आप अभी कर रहे थे और जो अच्छी बातें बता रहे थे, प्रश्न ही नहीं, ये रोज करना है लोगों को, इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना है। ये नहीं कि जब गुस्सा आए तब करना है, पता चला कहीं झगड़ा कर रहे हैं और वहां शवासन में लेट गए कि अब कंट्रोल करना है, और वैसा होता है तो स्वामी जी तो दिन भर शवासन में ही लेटे रहते हैं, जितना उनको गुस्सा दिलाने वाली चीजें लोग कर रहे होते हैं। तो देखो ये तो हमने आसन बताए हैं सुशांत जी, अब एक जवानों के लिए बताता हूं। जवानों को गुस्सा आए तो कुछ लोग कहते हैं तोड़फोड़ करो, अलग अलग तरह के लोग ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को गुस्सा आए तो बोले तकिए के ऊपर मारो, कोई कहता है कि फिर जो है वो जो आजकल बॉक्सिंग करते हैं तो बोले कि वो चमड़ा या प्लास्टिक में जो कुछ भूसा अंदर भर देते हैं फिर उसके ऊपर गुस्से मारो, कुछ कहते हैं गुस्सा बहुत आए तो दौड़ लगाओ, कुछ कहते हैं कि गुस्सा बहुत आए तो खेलने लग जाओ। मैं एक बात जरूर कहता हूं, आपको कितने भयंकर गुस्सा आ रहा है आप एक बार थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो देखो मैं फिर प्राणायाम और ध्यान बताऊंगा, बहुत जरूरी है, गुस्सा आ रहा है तो आप जो जवान है तो तेजी से ऐसे कर लो इस तरह से, ये सूर्य नमस्कार, ये जवानों को तेजी से करना चाहिए। मैं एक मिनट में ऐसे 10 बार तक कर लेता हूं एक मिनट में। अच्छा स्वामी जी, लेकिन इसमें एक बात और तो जोड़ दीजिए, जवानों को बहुत अधिक गुस्सा आता है ना, आप जवान लोगों की बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो गुस्सा दबाते हैं, और गुस्सा दबाने का न करने का असर यह होता है कि लिवर, किडनी, इन सब पर बहुत असर पड़ने लगता है। हाँ देखो वो अगली बात मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज को दबाना तो कोई समाधान नहीं, जैसे एलोपैथी की दवाइयां भी जो है हमारे रोगों को दबा देती हैं, फिर कई प्रकार के रोग बाहर निकलते रहते हैं। तो मैं कह रहा था जवानों को इस तरह से अलग अलग दंड बैठक हम बताते रहते हैं, ये अभ्यास किया करें। देखो एक बात और, ये कॉमन बात बता रहा हूं, किसी भी तरह से कोई भी एक्सरसाइज करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बीटा इंडोर्फिन, इनकैप्सिन, इंडोर्फिन, इनकैप्सिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए खेलना चाहिए, जवानों को एक्सरसाइज करनी चाहिए,
और पसीना बहाना चाहिए। फिर अब जो कमजोर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, बड़ी उम्र में बहुत गुस्सा आता है, और कई बार किसी की आदत ही पड़ गई है बात बात में नाराज होना, फिर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन स्वभाव, खुशी नहीं रहना चेहरे पर, एकदम ऐसा बना के रखते हैं। तो मैंने तो बचपन में, मुझे किसी ने कहा था बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, या मुझे याद है जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तब से मैंने नाराज होना, गांव की भाषा में रूठना बोलते हैं, रूसना बोलते हैं, रूठना रूसना नाराज होना बंद कर दिया, अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसे ये भस्त्री का कपाल भाती अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और सारे प्राणायाम बताते बताते मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि देखो ऐसे बार बार ना सुशांत जी कुछ छोटी छोटी चीजें अपने चेहरे पर ध्यान दें। किसी किसी के चेहरे पर ना ऐसे तोड़ियां पड़ती है, किसी का माथा ऐसे मुझे तो पड़ती ही नहीं है क्योंकि एक बार भी मैंने अपने माथे पर तोड़ियां नहीं डाली आज तक। किसी किसी का चेहरा ऐसे होता है पता नहीं, एक अजीब सा हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता देखने। अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसमें एक बात बताइए, मनहूस सा खड़ूस सा चेहरा लेकर आपने आपने इतने खुलासे इस शो में किए हैं अपने जीवन को लेकर, आपने गुस्से में आकर मैक्सिमम क्या किया है? मतलब किसी को थप्पड़ मारा है आज तक जीवन में? गाली दी है कभी किसी को? सुशांत जी कुछ चीजें ना हमारे, जैसे मैंने कहा पहले तो जो स्कूल में अच्छी शिक्षाएं मिली बड़े आकर के बोलते थे उस समय, स्कूल टीचर्स के अलावा जो गांव के सरपंच होते थे बड़े अच्छे होते थे, कुछ गांव में बड़े महात्मा आते थे, कुछ ऐसे बड़े लोग आते थे स्कूल में आके अच्छी बातें करते थे। फिर मैं गुरुकुल में आया तो हमारे गुरुकुल में नियम था भाई किसी पर हाथ नहीं उठाना, तो मैंने जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन एक बार चक्कर में पड़ गया था अब वो एक ज्ञात इतिहास है, उसको तो मैं मना नहीं कर सकता। तो 15-20 लोगों ने जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा। तो उस समय गुस्से में नहीं, आत्मरक्षा के लिए मैंने जरूर जो है, क्योंकि मैंने थोड़ी फाइटिंग सीखी हुई है, तो दो चार को थोड़ा बॉक्सिंग किया था, दो चार को ढाया था, फिर कुछ लोग मुझे मारने पर ही आ गए तो पैर की खड़ाऊ निकाल करके एक को मारा था, तो उस समय उसको खून जरूर आया था, एक बार ये कार्यक्रम हुआ है। अच्छा। तो वो बाद में उसके साथ भी समझौता हो गया था, मैंने कहा भैया देखो जानबूझ करके नहीं किया था। तो एक होता है गुस्से में करना, एक होता है आत्मरक्षा में, तो फिर देखो वो एक अलग स्थिति आ जाती है। गुस्से में मैंने कभी किसी को नहीं मारा, तो इससे आगे किसी पर लठ भी नहीं चलाया। तो ये एक तो एक बात है, तो भस्त्रिका करते रहे मीनाक्षी जी कपाल भाती भी, मीनाक्षी भूल गए, देखो ये अभ्यास का ये परिणाम होता है, अभी जय ज्योत्सना जी है तो भी मीनाक्षी नाम याद आ रहा है। स्वामी तो मीनाक्षी जी को हम आपके पास भेज रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे हूँ। जिनको गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है, जो जिनको आदत पड़ जाती है ना जैसी गुस्सा करने की, नाराज होने की, अब मेरे को रोज मीनाक्षी और जो है सुशांत बोलने की आदत पड़ गई है। अभी कभी जो है अमित भी आ जाएंगे या ज्योत्सना भी आ जाएंगे तो मीनाक्षी जी निकलेगा, हो सकता है कल को मीनाक्षी के लिए ज्योत्सना निकल जाए, आज ज्योत्सना का इतना नाम जप रहे हैं। तो जो हम बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और बुरी चीजें तो बहुत जल्दी उनकी आदत पड़ती है, मैंने सुना है एक बार बीड़ी सिगरेट शराब को ड्रग ले लेते हैं तो फिर बार बार लेने की उसकी तलब हवस हो जाती है उसकी। तो एक बार भी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक बार भी नाराज ना हो, एक बार भी गुस्सा ना करें, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। पति पत्नी के संबंधों में एक बार भी किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, एक बार भी किसी पर हाथ ना उठाएं, एक बार भी किसी को ऐसा कटु शब्द ना बोलें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। तो एक बार करने से फिर क्या कहते हैं, रास्ता खुल जाता है, रास्ता मिल जाता है उसको। अपने तन की और मन की टेंडेंसी ऐसी है, बॉडी और माइंड की टेंडेंसी ऐसी है कि एक बार जिसका बीपी बढ़ता है, एक बार जिसको गुस्सा आता है, एक बार जिसकी शुगर बढ़ गई, एक बार वेट बढ़ गया, तो थोड़ा सा खाते फिर फूल जाएगा। तो ये कपाल भाती करते रहें, अनुलोम विलोम करते रहें तो बहुत जरूरी है। लेकिन तो स्वामी जी अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और उसे गुस्से को दबाना भी नहीं चाहिए क्योंकि दबाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगा और एग्रेसिव हम हो जाएंगे, तो उसका क्या सलूशन है? तो जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो आदमी को मतलब कोई भजन गा लेना चाहिए, कोई कीर्तन गा लेना चाहिए,
किसी को ढोलक बजाना आता है तो ढोलक बजा लेना चाहिए। अच्छा, आपके गाने की बात से मुझे ध्यान आया स्वामी जी, अगर अगर इस देश ने योग सालों पहले अपना लिया होता तो बॉलीवुड के कितने गाने बंद हो जाते। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो, रूठे रूठे पिया, बॉलीवुड तो मर जाता था। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं, कहते हैं एक बार गुस्सा कर लो कोई बात नहीं, एक बार मार पिटाई कर लो कोई बात नहीं, गुत्थम गुत्था हो जाओ कोई बात नहीं, बाद में छोड़ देना। अरे बाद में छूटे तो, एक बार दारू पी लो, एक बार बीड़ी पी लो, एक बार सिगरेट पी लो, एक बार ड्रग लेकर के देख लो, एक बार मर्डर करके देख लो, बाद में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोगों ने मैंने देखा साथ साथ दस दस मर्डर कर लेते हैं। कोई भी छोटी से लेकर के बड़ी चीज को बार बार, किसी भी गलती को, भूल को नहीं दोहराना चाहिए। और गुस्सा, कुछ लोग ये सोचते हैं गुस्सा विवेक से दूर होता है। देखो कुछ लोग कहते हैं कोई चीज करने से दूर होती है। अब जैसे ये मैं अग्निहोत्र यहाँ पर था, मैं एक चम्मच घी डाला फिर दूसरा डाला तो और आग बढ़ ही रही थी ना, तो जैसे आग से आग बढ़ती है ऐसे गुस्से से गुस्सा बढ़ता है। तो गुस्सा करने से गुस्सा दूर नहीं होता है, तो ये गलत बात है। जो लोग सोचते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो निकाल लो, और निकाल लो तो कुछ लोग मार के निकालते हैं, कुछ लोग बोल के निकालते हैं। तो गुस्सा आ रहा है तो फिर योग कर लो, तो ये उसका समाधान है। तो गुस्सा आए तो कपाल भाती में गुस्सा निकालो ना, जोर जोर से करो। देखो जो जवान है और गुस्सा आ रहा है तो जोर से करे, ऐसे मारो पीटो क्यों किसी को। स्वामी जी, आपकी स्पीड मैच करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आराम से करती हूँ। और जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे धीरे धीरे करें, आराम से भस्त्रिका करें, आराम से कपाल भाती करें, आराम से अनुलोम विलोम करें, तो दूसरों पर गुस्सा ना निकाले, अपने ऊपर निकालो ना। तो सारे एक्सपेरिमेंट भाई देखो मैं तो अपने ऊपर करता हूँ। हाँ, ज्यादा गुस्सा है जिम में चले जाओ, वहां पसीना बहा लो, सारा गुस्सा निकल जाएगा। स्पोर्ट्स खेल लो, वहां गुस्सा निकल जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, गुस्सा बचेगा ही नहीं। और हाँ। हास्य योग कर लो, जो हम इस शो में कई बार करते हैं, हंसते खेलते रहिएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। वो तो आप करते रहते हो। ऐसे एक बार जोर से ऐसे हंसने से ही अपने आप ही, कुछ लोग कहते हैं जी हंसा नहीं जाता, अपना नहीं हंसा जाता तो भी हंस रहे, इसमें दिक्कत क्या है। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही, अब ये प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो एक बार बता दे रहे हैं। शीतरी शीतकारी हमने पहले ही बता दी है, ये इससे गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। ओंकार और गायत्री का जब भी आज बता देंगे, तो देखो ओंकार का जप करने से, गायत्री का जप करने से, प्राणायाम का तप करने से, योग यज्ञ करने से, इससे पूरा अंदर से अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। खेलने से, पसीना बहाने से, जैसे अभी आप बता रहे थे सुशांत जी, इससे एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो पैदा हो जाते हैं, खुशी के हार्मोन्स, और उससे अपने आप गुस्सा नीचे चला जाता है। जब अच्छी कहते ना एक बड़ी लकीर खींच दो, तो गुस्से से गुस्सा नहीं जीता जाएगा। सही बात। ऐसे इस संसार को जीतो, काम बलि जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो। हम एक भजन सुनाते रहते, अभी वक्त नहीं है। ऐसे इस संसार को जीतो, काम बलि जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, तो जो है संसार को जीतने का दूसरा तरीका है, गुस्सा करने से गुस्सा दूर नहीं होगा, लालच करने से लालच दूर नहीं होगी, काम से, भोग से, वासना से, भोग वासना दूर नहीं होगी, आग में घी डालने से आग बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। अच्छा स्वामी जी, जातु काम कामानाम भोगेन उपशाम्यते हविषा कृष्ण वर्त में भूय वाभिवर्धते। तो ये अनुलोम विलोम ना, इससे लेफ्ट नोसेल से राइट ब्रेन, राइट नोसेल से लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल है, तो ये दोनों मन हमारे ठीक रहे ना, तो अंतर्द्वंद नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा जी। ये बड़ी बात है अनुलोम विलोम। जैसे कितना ही ताकतवर सांड हो, कितना ही ताकतवर कोई भैंसा हो, झोटा हो, वो सब बैल हो, वो नाक में नकेल डालने से ठीक हो जाता है। तो ये आदमी के नाक की नकेल है ही अनुलोम विलोम। ये आदमी के मन को मनमानी करने से, गुस्सा करने से चीजें से रोकता है, और ये हार्ट के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और कई बार तो आदमी इतना गुस्सा करता है कि अपने आप को आत्मघात करना चाहता है, इसी को तो सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। तो उससे बच जाएगा, और मेधावटी साथ में खा ले,
अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने भजन की बात की, कूल हो जाता है, थोड़ी भोजन की भी बात करेंगे कि डाइट क्या होना चाहिए ताकि गुस्सा कम आए, और साथ में गुस्से से कई बार कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, इसका असर भी शरीर पर दिखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय भी बताइए। जरूर जरूर, तो ये अनुलोम विलोम हो गया। ज्योत्सना जी आप भ्रामरी उद्गीत भी कर लेना जी, पहले उंगली माथे पर, शीश तली उंगली ऐसे आंखों पर, और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री का जाप, शीतरी शीतकारी जो पहले बता चुके, ये प्राणायाम करें, साथ में लौकी का जूस तो मैंने कई बार बताया हुआ है, आज हम लौकी के जूस के अलावा भी दूसरा जो है फ्लैक्सीड का, पालक का जूस, और उसके साथ साथ ये जो अर्जुन की छाल आप देख रहे हैं ना, ये इसका अर्जुन की छाल का हम काढ़ा भी उपलब्ध कराते हैं, ये अर्जुन की छाल जो है इसका काढ़ा बना करके पी लें, जबरदस्त है ये अर्जुन की छाल का काढ़ा, पीने से एकदम कोलेस्ट्रॉल डाउन आ जाता है। कपाल भाती अनुलोम विलोम करें, गर्म पानी पिए दिन भर, और खाने पीने में थोड़ा संयम रखें, एक सप्ताह के अंदर जिनका 200 250 500 तक कोलेस्ट्रॉल, एक का तो ट्राइग्लिसराइड मैंने देखा 1500, अशोक जी अशोक गुप्ता कुछ नाम था उनका, हमने लखनऊ के अंदर आज से करीब 11 साल पहले एक ये हार्मोन्स के ऊपर एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की थी, एक कंट्रोल ग्रुप था, एक जो कर रहा था योग, एक जो नहीं कर रहा था, उन दोनों के हमने ये प्रोलैक्टिन कार्टिस और एसीटीएस आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इंडोर्फिन इनकैफेलिन सेरोटोनिन टोनिन डोपामिन आदि हार्मोन्स हमने टेस्ट किए थे, तो पता लगा था उसमें एक आदमी 1500 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेके आ गया। मुझसे डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी इसको भगा दो, तो कभी भी इसको हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, मरेगा, आपके सिर लगेगा। मैंने कहा, उससे पूछा पेशेंट से, मैंने कहा भाई तो घर जाएगा तो मरने की ज्यादा संभावना, या रहेगा तो बच भी सकता है लेकिन मर भी सकता है, तो आपको रहना? उसने कहा रहूंगा। मैंने उसका 9 दिन के अंदर 1000 के करीब उसका कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया था। वाह, तो ये कमाल, ये लौकी का जूस, अर्जुन की छाल का काढ़ा और प्राणायाम, इतना जबरदस्त इसका असर होता है। तो और लौकी का जूस तो हमने खूब पिलाया आज, पालक का, और जो है ये फ्लैक्सीड जो होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है, ये फ्लैक्सीड हमने सारे देशवासियों को भी उपलब्ध करा रखे हैं। अलसी फ्लैक्सीड जो है ये ओमेगा 3 से लेकर के अलग अलग प्रकार के, अलसी अलसी अलसी, तो ये अलसी जो है ये ऐसे डाल दें, ये अलसी जो है इसको पाउडर करके, और इसको हम जो है पाउडर करके भी ले सकते हैं, इसको भून के भी ले सकते हैं, एक बार थोड़ा इसको कर लो बेटा, तो आपको हम ये और भी डालो, पालक और डालो पूरा, ये फ्लैक्सीड जो हम आपको बता रहा हूँ ना, ये हमने देश के लोगों को इसलिए उपलब्ध कराया, लोगों को कुछ ना कुछ चबाने की आदत होती है, किसी को गुटखा किसी को तम्बाकू चबाने का, और हमने ये बिल्कुल एकदम सिंपल, ये देखो ये जो है ऐसे खाने के बाद थोड़ा सा ही फ्लैक्सीड ऐसे चबा लें, इतना स्वादिष्ट होता है आप पूछो मत, खाने में भी पूरा पोषण मिलेगा, खाने में अच्छी चीजें की आदत डालें। 3 तरह का खाना होता है, सात्विक राजसिक तामसिक, लोग तामसिक खाना खाते रहते हैं, उनसे बचें। यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, प्याज खा ले, कच्ची प्याज ले लें, कच्ची प्याज ये पेट के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए, और सुबह सुबह तो पानी वो डाल लो, पानी डाल दो, कच्ची प्याज और लहसुन, लहसुन भी बहुत जबरदस्त है, और ये लौकी का जूस तो मैंने कई बार बताया, ये हम अपने यहाँ गाय के गोबर से गोमूत्र से तैयार करते हैं, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, करोड़ों, और वो सारे मर जाते हैं यूरिया डीएपी से, और उनसे जो यूरिया और डीएपी अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं
ये सब जो है लौकी आलू मटर टमाटर गाजर बन करके हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारा जीवन बेकार हो जाता है। अब ये छोटी छोटी चीजें, लौकी का जूस सुबह शाम पिला दो, कितना ही भयंकर कोलेस्ट्रॉल हो, कितना ही मोटापा हो, कितनी एसिडिटी हो, कितना ही पेट खराब हो, कितना ही किसी का हो हीमोग्लोबिन कम हो, अब बताओ ये आपको, आप बता रहे थे ना, अब बताओ, अब लोगों को उल्टा पुल्टा जूस आदि पीते रहते हैं। अब इसको क्या है, पालक को जिसको जैसा पसंद हो चम्मच से पी लें, थोड़ा पतला करके पीना हो तो जूस की तरह पी लें, इसमें फ्लैक्स सीड डाल दिया, और ये इतना स्वादिष्ट लगेगा बिना किसी नमक के, बिना नींबू के, पालक के अंदर इसमें सोल्ट और नेचुरली होता ही है, और इसके अंदर जो फ्लैक्स सीड होता है वो इतना चिकना होता है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर मक्खन या पनीर डाल दिया हो, या इसके अंदर जो है क्या कहते हैं क्रीम या चीज चीज। अरे मुंह में पानी आने लग गया स्वामी जी, थोड़ा कम बताइए। दुनिया की बहुत सी चीजों के पीछे पड़े हुए और फिल्मों में तो गाना भी गाते हैं। वो काम मैंने सुशांत जी को दे रखा है फिल्मी गाना गाने का। मैंने कल, आपने बड़ा अच्छा गाया, हमारी माता जी भी कह रही थी कि रामदेव जी बड़ा अच्छा फिल्मी गाना भी गा रहे थे, तो आपके फैन हर तरफ होते जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ये गाने की बात तो हो गई, आपका संदेश जो जीवन में संगीत की तरह गूंजता है, अच्छी बातें लेकर आता है, वो भी जरूर दीजिए। देखो सुशांत जी, मेरा संदेश ये है, एक तो आप कपाल भाती अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आप कार्यक्रम चालू रखिए ज्योत्सना जी, ज्योति जलती रहनी चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ आप मेरा प्रवचन सुनना, लेकिन करते करते सुनना। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, मेरा संदेश यह है, जिंदगी में कुछ बड़े निर्णय ले लीजिए, जैसे मैंने लिया हुआ है। रोज 10 से 20 मिनट में एक्सरसाइज करता हूं, करीब 500 तो दंड बैठक लगाता हूं 10 से 15 मिनट में। सुशांत जी 500 दंड बैठक, कम से कम 25 से लेकर के 100 बार सूर्य नमस्कार, अपने शरीर पर अपने इंद्रियों पर अपने मन पर नियंत्रण रखता हूं, अपना आपा कभी नहीं खोता हूं, और हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूं, जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। भगवान ने इंसान का जन्म देकर के मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य दे दिया है, किसी भी जाति कुल वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ हो, मुझे भगवान ने इंसान बना दिया तो भगवान ने दुनिया की सारी दौलत मुझे प्रदान कर दी है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरी शिक्षिकाओं की संतान हूँ, मैं वीर वीरांगनाओं की, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा जी महाराज अल्लूरी सीताराम रानी चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई आदि एक महान परंपरा का मैं संवाहक हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि हूँ, मैं सत्य का धर्म का न्याय का प्रतिनिधि हूँ, सत्यमेव जयते। मैं जीवन में सत्य के पथ पर आगे बढ़ूंगा, कितना ही संघर्ष हो, कितने ही प्रतिकूलताएं हो, विकट से विकट संकट हो, और निश्चित रूप से जीवन में विजय होती है, ये मेरा अनुभव है। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है, जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। तो मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, बस यही आज का संदेश है। और अपने आप को एक व्यक्ति न माने, अपने आप को भगवान का, धर्म का, सत्य का, राष्ट्र का प्रतिनिधि माने, तो फिर देखो जिंदगी जीने का एक अंदाज ही नया होगा। सुशांत जी सही बात है, और देखिए कोरोना काल ने हमको सिखाया भी है कि जीवन कितना अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, लोग लॉकडाउन में होंगे, क्या क्या जो इतना पैसा और संपत्ति बटोरने के चक्कर में रहते हैं, कौन कल चला जाएगा ये पता नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए और गुस्से को त्याग दीजिए। आज के शो में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे एक्वा यानी वाटर योग, वो योग जो आपको गर्मी और उमस से बचाएगा, आपकी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाएगा। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिनको रात को नींद ना आए वो अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावती भी ले लिया करो, ये औषध भी अंत में बता देता हूं। बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।